खबर उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली से है, जहां एक राजकीय आयुर्वेद अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ बच्चों के कैरियर संबंधी शिविर का भी आयोजन किया। आसपास सहित पूरे जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बताते चले कि राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सिकंदरपुर चककिया चंदौली परिसर में स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम व कैरियर मार्गदर्शन शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व निवर्तमान प्रांतीय महासचिव डॉक्टर बाल मुकुंद प्रसाद ने जनपद चंदौली के विभिन्न इंटर कॉलेज व हाई स्कूल में प्रतिभागी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उनके पठन पाठन के साथ साथ उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु कैरियर को संवारने, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हेतु टिप्स आगे बढ़ाने, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु बच्चों को उचित परामर्श व प्रोत्साहन दिया। विभिन्न विद्यालयों से उपस्थित छात्राओं ने अपने कैरियर चिकित्सक बनने में अधिक रुचि दिखाई। डॉक्टर बालमुकुंद प्रसाद ने स्वास्थ्य शिविर व कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, पोषण आहार, मोटा आहार व अनेक प्रकार के औषधीय पौधों का विभिन्न प्रकार के रोगों में उनके उपयोगिता के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। वहीं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज में एक विशेष ऐसे बच्चों के लिए मार्गदर्शन प्रशस्त होता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में रोज संस्थान वाराणसी शाखा इकाई चकिया चंदौली का सराहनीय सहयोग रहा। संस्थान की ओर से अवधेश कुमार मास्टर ट्रेनर, उमाश्री कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर समीम अख्तर आराधना उपस्थित रहीं। चिकित्सालय में श्री रामायण प्रसाद कुशवाहा चीफ फार्मासिस्ट, प्रभु नारायण भ्रत्य महिला योग प्रशिक्षक, अर्चना पुरुष योग प्रशिक्षक कर्नर नासिर के साथ साथ ग्रामीण जनता व जनप्रतिनिधि लोग मौजूद रहे। चंदौली से अनिल तिवारी की रिपोर्ट।